हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स मोस्ट वेलकम ऑन भारत स्कूल चैनल सो पेरेंट्स अगर आपका भी सपना है कि आपका बच्चा सैनिक स्कूल में पढ़े और इंडियन आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बने एंड स्टूडेंट्स अगर आप भी यही चाहते हैं कि सैनिक स्कूल में पढ़कर इंडियन आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनकर देश की सेवा करना तो यस yes,

को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स जो कि फोकस करता है हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर उनकी एकेडमिक्स के साथ साथ उनका जो गेम्स है स्पोर्ट्स है एथलेटिक्स है मिलिट्री ट्रेनिंग है जिससे कि हमारे जो फ्यूचर ऑफिसर्स हैं उनको पूरी तरह से ग्रूम किया जा सके और ये जो स्कूल है या हैं इनको गवर्न या मैनेज करने का जो काम करता है वो है सैनिक स्कूल सोसाइटी सोसाइटी एक ऐसी आ, सु, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ़ डिफेंस के अंडर जो है काम करती है और स्कूल्स को रन करती है चलिए अब यहां पर आ, मैं आपको ये बताने वाली हूं उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने का तो एडवांटेज तो देखो बहुत सारे हैं लेकिन जो सबसे मेन है वो है डिसिप्लिन यहाँ का जो डिसिप्लिन एनवायरमेंट है वो हमारे बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करता है जिससे कि आने वाले टाइम में या कह सकते हैं इन फ्यूचर जो भी चैलेंजेस हैं उसको हमारा बच्चा इजिली फेस कर सके यानी कि उसके लिए वो बिल्कुल रेडी रहे चलिए ये तो हो गई बात सैनिक स्कूल की अब समझते हैं यहाँ का एडमिशन प्रोसेस ये जो एडमिशन प्रोसेस है ये फोर पार्ट्स में डिवाइडेड है पहला आता है रिटर्न एग्जामिनेशन देन ई काउंसलिंग एंड देन मेडिकल टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे रिटर्न एग्जामिनेशन की तो ये जो रिटर्न एग्जामिनेशन है ये हर साल जनवरी में होता है और इस एंट्रेंस एग्जाम को हम बोलते हैं ए आई एस एस ई यानी कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये जो एग्जामिनेशन है इसको कौन कंडक्ट करवाता है भाई इसको कंडक्ट कराने का काम होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का जो कि एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है और ये मिनिस्ट्री ऑफ और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है चलिए आगे का प्रोसेस क्या है आगे आता है ई काउंसलिंग यानी कि नेक्स्ट स्टेप जो है वो होता है आपका ई काउंसलिंग देखिए जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर uh, हो जाता है या ऐसे कह सकते हैं कि आपका स्कोर कार्ड रिलीज़ हो जाता है उसके बाद ये प्रोसेस जो है शुरू होता है ई काउंसलिंग इज़ अ ऑनलाइन डिजिटल प्रोसेस जहाँ पे भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है इसका मेन पर्पज़ ये है कि जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो एक जो चॉइस होती है आपके स्कूल की वो तो आप फॉर्म में फिल कर ही देते हैं लेकिन बियॉन्ड दैट आपको नाइन चॉइसेस और जो हैं वो भी आपको फिल करनी होती हैं बतानी पड़ती हैं और इसका ये फायदा होता है कि या कह सकते हैं इसका जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि सैनिक स्कूल का जो भी एडमिशन प्रोसेस है वो बहुत ही फेयर हो बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो और बच्चे के स्कोर के अकॉर्डिंग या जो भी स्कूल का जो भी कट ऑफ जाएगा उसके अकॉर्डिंग बच्चे को वो स्कूल जो है अलॉट होगा चलिए जब बच्चे को वो स्कूल अलॉट हो जाता है या कह सकते हैं जो भी अलॉटेड स्कूल है वहां से बच्चे को कॉल आएगा फॉर मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ठीक है तो यहां तक ये यह प्रोसेस हमारा हो जाता है अब जब आपका मेडिकल हो गया है या जो भी आपको अलॉटेड स्कूल मिला है वहां पे आपको मेडिकल के लिए प्रेजेंट होना पड़ता है और आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई कराना होता है फिजिकली देन फाइनल सेलेक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है आपकी मेरिट लिस्ट पर यानी कि ये सारे प्रोसेस के बाद भी अब क्या रह जाता है लास्ट में वो है ए आई एस एस ई की मैरिट लिस्ट देन यू विल गेट अ एडमिशन चलिए ये तो बात हुई सैनिक स्कूल के एडमिशन प्रोसेस के बारे में अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपका भी सपना है सैनिक स्कूल आरएमएस या फिर आरएमसी में जाने का और आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनने का लेकिन तैयारी कहां से करनी है तो यस यू आर ऑन बेस्ट प्लेटफॉर्म क्योंकि शौर्य भारत जो है आपको घर बैठे बेस्ट प्रिपरेशन कराता है लेकिन उसके लिए क्या करना होगा उसके लिए आपने विजिट करना है शौर्य भारत पर और आपको डाउनलोड करना है शौर्य भारत ऐप और ये जो ऐप है आपको 48 एट आवर्स के लिए मिलता है बिल्कुल फ्री ये जो ऐप है आपको देता है लाइव एग्जाम्स लाइव क्लासेस ई बुक्स डाउट बॉक्स और भी बहुत सारी फैसिलिटीज और यहां पर मैं बता दूं कि शौर्य भारत ने होली के उपलक्ष में बहुत ही एक्साइटिंग ऑफर जो है यहाँ पे निकाला है आप लोगों के लिए अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं सैनिक स्कूल आर या आर के लिए तो यस ये जो कोर्स है इस पे मिलता है आपको फ्लैट फिफ्टी परसेंट ऑफ यानी कि पूरा का पूरा कोर्स अगर आप अभी परचेज करते हैं तो ये आपको मात्र बारह हज़ार चार सौ निन्यानवे में मिल जाता है और अगर आप भी हमारे साथ अगर ऑफलाइन जो है तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ हमारे एकेडमी में रहकर तैयारी करना चाहते हैं तो यस उसके लिए हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं स्कॉलरशिप टेस्ट जो कि होने वाला है ट्वेंटी मार्च को सुबह दस बजे और अगर आप भी इस स्कॉलरशिप टेस्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से अपने जो रजिस्ट्रेशन हैं उनको करवा लीजिए रजिस्ट्रेशन अभी ओपन हैं और अपना स्कॉलरशिप टेस्ट दें और अपनी जो सीट है उसको कंफर्म करें तो भाई ऐसे ही अपडेट्स के लिए ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें शौर्य भारत सैन्य स्कूल यूट्यूब चैनल के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए खुश रहें मस्त रहें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको न्यू नोटिफिकेशन से या नए अपडेट से आपको अवगत कराया जा सके जय हिंद जय भारत